नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल एग्जाम हंटर में। तो दोस्तों, आज की एग्जाम हुई थी EPFO के पेपर, ठीक है। तो EPFO का पेपर अभी कंप्लीट हुआ है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस बार का EPFO पेपर कैसा था और पिछले बार की अपेक्षा इस बार का क्या, मतलब वैकेंसी में कितना चेंज आई और क्या कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, पिछले बार जो वैकेंसी थी और इस बार की जो वैकेंसी में है, नो डाउट इस बार का वैकेंसी पिछले बार से बढ़ा है। जैसे पिछले बार 257 थी, 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 257 सीटें थी, इस बार जबकि कितने हो गई, 421। तो लगभग कितना हो गया आपको, 1.25 गुना लगभग सीट बढ़ी है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को देखिए तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी जो इस बार एग्ज़ाम है ना, पिछले बार से लगभग 3 गुना ज़्यादा हुए हैं, लगभग 3 गुना ज़्यादा। सोचिए क्यों, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया और बीच में 2 साल एग्ज़ाम टलते गया। 2020 वाला एग्ज़ाम ये 2021 में, ये पहले से ही थी कि होगी एग्ज़ाम, लेकिन 2 बार कोरोना के कारण टल गई। तो अब जाके फाइनली आज एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब इसके अनुसार ही कटअप, तो हम 2017 के अनुसार एक सेटअप कर सकते हैं कि क्या कटअप जा सकता है जनरल का, OBC का, SC का, ST, और इस बार नया भी सेक्शन जुड़ा है EWS। तो उसके अनुसार चूँकि सीटें बढ़ी हैं, पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़े हैं, दूसरा तो उसके अनुसार कटअप, जैसे पिछले बार जनरल की कटअप जो गई थी ना 49.5 गई थी, जनरल की कटअप 49.5 क्वेश्चन गए थे, ठीक है। तो ये 49.5 जो क्वेश्चन गए थे ना पिछले बार, तो पिछले बार जो ट्रेंड था ना, 100 मार्क्स का मतलब वो होता था, क्या कहते हैं, आपका एग्जाम होता था 100 का इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का वेटेज पहले ज़्यादा होता था, लेकिन इस बार बदल गया। इस बार क्या हुआ, 300 मार्क्स के आपके वो हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे, 100 मार्क्स इंटरव्यू। तो मतलब वेटेज जो है इंटरव्यू का जो है ना, पहले की अपेक्षा जो है रेशियो घट गया, 75:25 हो गया, पहले 50:50 था। तो देखिए आप कितना, पहले इंटरव्यू सारा रोल मैक्सिमम प्ले करता था, लेकिन अब इस बार नहीं है, इस बार है कि आपका रिटेन, इस बार जो ज़्यादा मारेंगे टिक करेंगे सही, उनका ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने का। तो आइए हम कट ऑफ की चर्चा करें। तो पिछले बार जो गई थी ना रिटेन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो बात की बात होगी, रिटेन की पिछले बार गई थी जनरल की 49.5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो OBC की गई थी 44.5, ध्यान से सुनिएगा, 44.5 OBC की, और SC की कितने गई थी, 42.5, ठीक है, और ST की गई थी 43 क्वेश्चन। तो ये हो गया, और फिर इसी का इंटरव्यू जो हुआ था, जब इंटरव्यू हुई थी तो जो इसका एक एवरेज, ना कि एकदम फिक्स, लेकिन एवरेज जो 100 में 50 मार्क्स लाए थे इंटरव्यू में जनरल में, उसके सिलेक्शन लगभग हुए थे। और 45 OBC, 40 SC और 40 ST, ठीक है, और 110 मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। याद रखिए पिछले बार 110 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था, किसका, जनरल का, और 103.78 पर किसका हो गया था, OBC का हो गया था, और 102 पर SC का, और 103.06 पर ST का। अब आइए 2021 की हम चर्चा करें कि 2021 में कट ऑफ की क्या चांसेस हो सकती है। तो देखिए आप जनरल की बात करें तो देखिए क्वेश्चन का जो लेवल था अभी, और दोस्तों और जो स्टूडेंट दिए थे, बात हुई उनसे, और जो जो एग्जाम हंटर से जुड़े हुए हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जितना भी करंट अफेयर्स डेली चल रहा है इसमें, और फ्री में मेंस का भी आपको वीडियो दिया जाता है, PT का भी दिया जाता है, तो आने वाले एग्जाम में आप इससे जुड़ सकते हैं। PCS की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, UPPCS, BPSC और अदर PCS लेवल एग्जाम के, ठीक है। तो आप नीचे जो लिंक दिया है उसको सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, आपको फ्री में सारे वीडियो मिलेंगे, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, PT के बहुत सारे फ्री में टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें, और मेंस के भी बहुत कम रेट पे होती है, जैसे 1,500 रुपये पे होती है, फुल मेंस की करवाती हैं। हाँ, तो जनरल के पिछले बार कितनी गई थी, 49.5। इस बार जो क्वेश्चन के अनुसार, इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन में जैसे पॉलिटी 2-3 था, मॉडर्न हिस्ट्री 4-5 क्वेश्चन थे, ठीक है, एंशेंट हिस्ट्री, और इसके बाद फिर आपका जो वो वाला पेपर है आपका लेबर लॉ वाला, तो जिसके इस बार ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस उसके हो सकते हैं जिसका CAPF टाइप का एग्जाम मजबूत है। क्यों, क्योंकि जो रीजनिंग इंग्लिश मैथ वो सब में ज़्यादा कवर कर पाएंगे, वो इधर ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि जो UPSC का स्टूडेंट है वो GS तो ईजिली बना लेंगे, अब उधर वाले सेक्शन में जिनका ज़्यादा होगा स्कोर उनके ज़्यादा सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा होगी, तो वो पोर्शन लेबर लॉ वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला ये जो मैथ है ना, ये ज़्यादा रोल निभाएगा इस बार के एग्जाम में, ठीक है। तो इस बार जो जा सकती है जनरल की कट ऑफ कही जा रही है 53 क्वेश्चन जा सकती है, 53 क्वेश्चन जनरल की जा सकती है, पिछले बार गई थी 49.5, इस बार 53 क्वेश्चन जा सकती है, रिटेन की मैं बात कर रहा हूँ। OBC की पिछले बार गई थी 44.5 क्वेश्चन, इस बार जो जा सकती है 48 क्वेश्चन जा सकती है, 48 क्वेश्चन OBC की,
एससी के कितनी जा सकती है, तो एससी के 44 क्वेश्चन इस पर जा जाएगी, और एसटी के कितने, तो एसटी की 45 क्वेश्चन। अब ईडब्ल्यूएस भी एक नया सेक्शन जुड़ा है। आप कहिएगा कि जनरल का एक मार्क्स ज़्यादा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ना इस पर 10% सीट लेंगे। अगर 421 सीट है तो लगभग 42 सीट्स ईडब्ल्यूएस की जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ज़्यादा चांस है 46 के लगभग लग सकते हैं, ओबीसी से एक मार्क्स के पीछे रहेंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल है। उसके बाद आपके जो इंटरव्यू में लगभग एक एवरेज मान लीजिए कि 45 से 50 मार्क्स मिनिमम इंटरव्यू में उतना लाइए, तभी फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बन सकती हैं। और पेपर का जो इस बार का जो लेवल था वही मॉडरेट था पिछले बार जैसा ही था, थोड़ा सा लेबर लॉ में थोड़ी सी किसी किसी को डिफिकल्टी आई थी जो उतना एक ऊपर से पड़े थे, हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे लेबर लॉज के, ठीक है। और ये इंग्लिश का एज यूजल था, हालांकि पॉलिटी का ईजी क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री भी, करेंट अफेयर्स भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन पेपर जो था ओवरऑल मॉडरेट था, ठीक है। थैंक यू दोस्त।